नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे हमारे पास, और आज पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, स्पेशल एनटीटी, स्पेशल लाइब्रेरियन, म्यूजिक और जितनी भी पोस्ट है अदर, उन सभी के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अपडेट देना चाहता हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और इससे भी पहले आपको बताना चाहता हूँ कि 15 तारीख तक हमारा एक ऑफर था, जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट और इसके बाद इवन स्पेशल के भी नोट्स, और भी जो सब्जेक्ट्स हैं लाइब्रेरियन, म्यूजिक, जिसके आपको जल्दी से कहीं नोट्स नहीं मिलते, स्पेशल के नोट्स, 21 डिसेबिलिटीज वाले, इवन एक्ट्स वाले, जो आपको जल्दी से कहीं नहीं मिलेंगे, वो भी हम प्रोवाइड कर रहे थे। तो ओनली 300 रुपीज मंथ से भी कम फीस में। लेकिन हमने बोला था कि 15 तक ऑफर है, 15 के बाद ऑफर खत्म हो जाएगा। और अभी क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों के हम मैसेजेस देख नहीं पाए, मैंने खुद रात चेक किया। तो अभी बताना चाहता हूँ कि 17 तक आपको वो ऑफर मिल जाएगा, 17 तक जो मैसेज करेगा, अगर हम उनको मैसेजेस को 19 को भी देख रहे हैं, तो 17 तक के मैसेजेस को माना जाएगा कि इन्होंने नोट्स के लिए मैसेज किया है। और 17 तक जो पुरानी फीस है उसमें ही आपका एडमिशन हो जाएगा, 17 के बाद जो फीस है वो हम बढ़ा देंगे अपनी। तो 17 तक आप मैसेज कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नोट्स वगैरह सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए, तो आप मैसेज कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम फीस पे, 300 रुपीज मंथ से भी कम फीस में आपको मिल जाएंगे। तो और टर्म्स कंडीशन थोड़ी है उसमें कि भाई कोई सब्जेक्ट थोड़ा अलग हो सकता है, तो आप दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और इसके बाद जो फीस है वो बाद में आपकी बढ़ जाएगी। और इसके बाद जो फिजिकली हैंडीकेप्ड कैंडिडेट्स हैं जितने भी, उनको 50% ऑफ मिलेगा हर कोर्स में। तो साथियों, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, स्पेशल और जितने भी ये पोस्ट हैं, इनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए कि जो अब जज हैं, जो जज साहब हैं, वो ऑनरेबल जो जज हैं हमारे, तो वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। जैसा आप देख रहे हैं, मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी आप लोगों को बताया था, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं इन चीज़ों को लेकर कि भाई वैकेंसीज या एजुकेशन को लेकर काफ़ी सीरियस है वो। तो अभी जैसा हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में एकदम एक बड़ा तूफान सा आया वैकेंसीज को लेके, और मतलब काफ़ी सीरियस है। इवन स्पेशल के भी रिक्विजिशन भेजी गई, इसके बाद जो 11-12 हज़ार वैकेंसीज थी उनके बारे में भी किया गया, इवन उन्होंने फाइन तक लगा दिया। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, वार्न किया DSSB को, और इसके बाद जो वहाँ पे और बॉडीज है उनकी, कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपके इवन कमिश्नर को भी यहाँ पे कोर्ट में खड़ा कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई इतना सीरियस है। सबसे पहले तो मैं उन जज साहब को सैल्यूट करता हूँ इस काम के लिए कि वो इतने सीरियस है इस काम के लिए। इसके बाद बात करते हैं साथियों, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि सर एग्जाम, तो एग्जाम के लिए देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, परमिशन मिल चुकी है, और ये न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो मेरी पुरानी वीडियोज आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया था कि उन्होंने खुद बोला है कि DSSB ने कोर्ट में जाके बताया कि हमने परमिशन ली थी, लेकिन पहले महामारी की वजह से वो एग्ज़ाम हो नहीं पाया था, लेकिन अब हम अपनी पूरी तैयारी में हैं। लेकिन कोर्ट ने बोला उनसे कि आप इतना टाइम ना लगाएं, इसे और जल्दी काम करें। तो अब इसका मतलब ये कि उनकी जो स्पीड है वो और तेज़ हो रही है। हालांकि 21 तक तो अभी जो फोटोज़ वगैरह वो चीज़ें अपलोड हो रही हैं, तो ये मान के चले कि उसकी कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, और अब आ जाना चाहिए। जो अभी चल रही है सिचुएशन, स्नेरियो है, उसको देखते हुए लग रहा है कि अब आपका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए एग्जाम के लिए। इसके बाद तो एग्जाम आपका एकदम आएगा नोटिफिकेशन, और आपको बस 15-20 दिन का टाइम मुश्किल से मिलेगा, और 15-20 दिन वो कुछ नहीं होते, वो एकदम टाइम बीत जाएगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन में तो सबसे पहले लग जाइए, बात ये नहीं, आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए घर पर। इसके बाद बात आती है जो आपके PRT वगैरह के बारे में बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये PRT की वैकेंसी आएंगी। तो साथियों, ये 430-434 कितनी वैकेंसीज हैं, ये आपकी आएंगी, ये मतलब पास हो चुकी हैं, रिक्विजिशन के लिए भेजी जा चुकी हैं, और इसका प्रूफ मैंने आपको दूसरे चैनल पे भी दिखाया। अगर आपको और भी प्रूफ देखना वैकेंसीज का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरे चैनल का लिंक है, आप वहाँ पे वो सारे प्रूफ देख सकते हैं, रिक्विजिशन कितनी गई है, किस डेट को गई है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि हम कोई ऐसा फ्रॉड काम नहीं कर रहे, आपको जेन्युइन चीज़ें बता रहे हैं। इसके बाद साथियों, बात ये आती है PRT का, आप क्लियर समझ लीजिए और देखते हैं आगे क्या होता है, वहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। इसके बाद TGT की जो वैकेंसीज हैं, जो बोला गया है तो वो मार्च का बोला गया है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे कुछ टाइम हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन जिस हिसाब से जज साहब, ऑनरेबल जज सीरियस हैं इन चीज़ों को लेके, तो लग यही रहा है कि वो काम जल्दी हो जाएगा। हालांकि जो DSSB ने कोर्ट में बोला था, तो जज साहब ये बोल रहे हैं कि आप टाइम और कम करिए,
इतना टाइम नहीं लगाना आपको, आपको ये जितने भी काम है बहुत जल्दी करने हैं। जैसे आप इतना लंबा टाइम लगाते हैं, इतने लंबे टाइम में काम नहीं हो रहा, तो आगे का जो मुझे लग रहा है वो ये है कि वैकेंसीज आएंगी और उनके एग्जाम्स बहुत जल्दी हो जाएंगे, ठीक है, जिस हिसाब से जज साहब सीरियस हैं उन चीज़ों को लेके, तो उस हिसाब से ये लग रहा है। इसके बाद तो और भी जैसे बच्चे बोल रहे हैं कि ये एनटीटी म्यूजिक व्यूजिक, तो कुछ और भी वैकेंसीज हैं, क्योंकि कुछ वैकेंसीज नई आई हैं, कुछ और भी हैं पुरानी। तो साथियों जो पुरानी वैकेंसीज है वो आपकी सेफ है, ये आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या वो कैंसिल हो गई है, वो कोई कैंसिल नहीं हुई है। जो पुरानी वैकेंसीज आ गई हैं ये उनसे अलग हैं, ठीक है, जैसे कंप्यूटर साइंस की पहली भी वैकेंसीज है, ड्राइंग टीचर फिजिकल की, तो ये कुछ और आई हैं, ये अलग हो गई, वो अलग हो गई, तो आपको डबल वैकेंसीज मिल जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही जैसे टीजीटी में, तो टीजीटी की कुछ 11,000 कुछ वो है और कुछ 900 कुछ ये वैकेंसीज है, तो आपकी डबल वैकेंसीज हो गई। ऐसे ही आपकी जो पीजीटी वाली है, तो पीजीटी में भी कुछ बच्चे अप्लाई नहीं कर पाए होंगे, तो अब आपको पीजीटी की भी और ईवीजीसी उसकी भी वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि आप मेहनत करें, प्रिपरेशन करें, और इसके बाद तो टाइम आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, जिस हिसाब से जज साहब सीरियस हैं। और बहुत सारे बच्चे देखो ये भी क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या प्रूफ है, कि ऐसा क्या है, ये है जो ये चीज़ें मिलती हैं, ये देखो कोर्ट से मिली हैं, और कोर्ट से बड़ा मेरे हिसाब से कोई प्रूफ नहीं होता। और भाई देखो अगर कोर्ट ही गलत हो गया तो हम आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जो कोर्ट का प्रूफ है सारी चीज़ें आप लोगों के सामने। और आपने देखा भी स्टडी 24 ऑफिशियल ने आपको सबसे पहले जेन्युइन ऑथेंटिक अपडेट दी है। हालांकि डिसलाइक करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि जलने वाले लोग ज़रूर मिलेंगे आपको, और वो लोग जलते हैं जिनको जिनके हम दिल से भी हेल्प करते हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन कोई नहीं यार, बात तो ये आती है कि जो आपकी वैकेंसीज हैं, आपके अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपके जैसे जो भी स्पेशल वाले, तो स्पेशल वाले का तो जो रास्ता है बिल्कुल साफ है। और भी मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊँगा, आप अपने क्वेश्चन ज़रूर करें। और इसके बाद जो आपके म्यूजिक वगैरह हैं, लाइब्रेरियन वगैरह, तो वो वैकेंसीज भी आपकी हैं जो बताया गया है, उनका भी एडवर्टाइज होने वाला है। और जिस हिसाब से मैं आपको बताऊं, मैंने जनवरी में भी एक वीडियो बनाई थी कि मीटिंग होगी और उसमें वैकेंसीज नहीं क्रिएट होंगे, तो वो हुआ 28 जनवरी को ही उन्होंने रिक्विजिशन भेज दी थी और वैकेंसीज की, जितनी भी नई वैकेंसीज आई है ना, इवन पीआरटी की, क्योंकि पहले पीआरटी का ऐसा लग नहीं रहा था कि एकदम आ जाएगी, हम खुद बोल रहे थे कि पीआरटी की मेरे हिसाब से मई जून में आएगी, लेकिन वो लगभग 4,000 के लगभग वैकेंसीज थी, 3-4 हज़ार, तो वो वैकेंसीज अलग है, वो भी आपकी शायद मेरे हिसाब से मई जून में आ जानी चाहिए या थोड़ा और पहले आ जाए, और पता चल जाएगा जैसे भी अपडेट मिलेगी वो आप लोगों को बता दी जाएंगे। लेकिन ये वैकेंसीज आप लोगों के लिए एक तरह से सरप्राइज है। तो चलिए साथियों यही मैं कुछ आपको बताना चाहता था, तो डरे नहीं, हाँ बस ये ध्यान रखें एग्ज़ाम आपका कभी भी हो सकता है जिस हिसाब से चीज़ें चल रही है। और इसके बाद जो वैकेंसीज आपकी ये है, ये बिल्कुल कोई ऐसी फ्रॉड बातें नहीं है, ये आपके मतलब जेन्युइन चीज़ें हैं, कोर्ट से मिला हुआ प्रूफ है। तो आप देखते हैं आगे इसमें क्या होता है, तो मेहनत में लग जाइए, टाइम वेस्ट मत करिए ज़्यादा। और कुछ बच्चों के क्वेश्चन ये भी आ रहे थे कि एससी एसटी को DSSB में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, DSSB के अंदर एससी एसटी लोग एससी एसटी में ही काउंट होंगे, उनको रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जो मैंने आप लोगों को बताया है नोट्स वगैरह अगर आप लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप मैसेज करके नोट्स भी ले सकते हैं। और जितने भी हमारे फिजिकली हैंडीकेप्ड कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए हम 50% हमने ऑफ किया है, हम चाहते कि वो बच्चे भी आगे आएँ पढ़ें और इस वजह से पीछे ना रह जाएं कि उनके पास पैसे की कोई प्रॉब्लम है, हमने उनके लिए 50% ऑफ किया है। हालांकि हमें फ़ायदा हो नुकसान हो वो एक अलग चीज़ है, हम ये चाहते कि वो हमारे दिव्यांग साथी भी आगे बढ़े, हम नहीं चाहते कि वो इस वजह से पीछे रह जाए कि उनको कोई पैसे की प्रॉब्लम है। और इसके बाद जो आप अदर सब्जेक्ट्स के भी नोट्स लेना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, देखो किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको कोई ये ज़बरदस्ती करना है या आपको लेना है, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों की अपनी चॉइस है। 17 तक हमने ऑफ़र बढ़ाया है, आप 17 तक मैसेज करके भी ले सकते हैं, उसके बाद हमारी जो फीस है 110% हम बढ़ा देंगे, ये ध्यान रख लीजिए आप, उसके बाद कोई आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। हाँ आप अपनी सीट बुक कर लीजिए, और आप बुक करने के बाद अगर आपको 1-2 दिन 4 दिन आगे फीस देनी है तो आप बाद में दे सकते हैं, कुछ अभी जमा करके कुछ बाद में जमा कर सकते हैं अगर किसी को कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, और डिसलाइक करने वाले भी खुश रहें, उनको भी भगवान दिमाग दे, बुद्धि दे थोड़ी,
चलो, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।